गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका का द्वितीय अध्याय जॉर्ज पंचम की नाक। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा कि किस तरह से इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी और उनके आगमन पर अंग्रेजों की औपनिवेशिक मानसिकता को धारण करने वाले पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का सम्मान करने वाले या विदेशी सभ्यता संस्कृति को महत्व देने वाले जो शासक प्रशासक नेता आदि लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। केवल तैयारी भारत में ही नहीं हो रही थी बल्कि इंग्लैंड में भी उसके लिए तैयारी हो रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था कि रानी हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब क्या पहनेगी। रानी से जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ की खबर अखबार में आ रही थी, फ़ोटो अखबार में छप रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें दूसरे दिन हिंदुस्तान में नज़र आ रही थी। राजकुमार फिलिप के कारनामे भी अखबारों में छपे, यहाँ तक कि उनके नौकर बाबरचियों खानसामों अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी अखबारों में देखने को मिली और शाही महल में पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। अब अगला जो दृश्य प्रकट किया गया है कि रानी के आगमन पर किस तरह से वो शासक प्रशासन परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति है उस पर नाक नहीं है। तो अब देखिए पेज नंबर 10। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी यानी दिल्ली की जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए क्योंकि वो किसी देश की राजा है, उसके लिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और वो भी ऐसी रानी जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है क्योंकि ऐसी रानी जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। कायापलट होने का मतलब है सारी इमारतों को सजा दिया गया, रंग रोगन कर दिया गया, सड़कों को सही कर दिया गया, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ़ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, जितना भी था मतलब सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें थी उन सबको सही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि रानी आए और व्यवस्था नहीं हो तो हमारे देश का क्या प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जो मैंने आपको बताया, जॉर्ज पंचम की नाक रहित मूर्ति जो एक सबसे बड़ी समस्या बन गई थी किन लोगों के लिए, उन शासकों प्रशासकों सूत्रधारों कर्णधारों या नेताओं के लिए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति का सम्मान करते थे, विदेशी मानसिकता से ग्रसित थे या औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता उनके मन में आज भी विद्यमान थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक
नहीं थी। ये पंक्ति अंडरलाइन करना, ऐसा क्यों कहा कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ पर देखिए हम दो अर्थों में बात करेंगे। पहला तो ये कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। साधारण तौर पर हम देखते हैं तो नाक किसके नहीं थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर। इसलिए क्या कहा कि नई दिल्ली में सब कुछ था सिर्फ जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। दूसरी, अगर इसके गहन अर्थ की ओर बढ़ते हैं, गहरे अर्थ की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि नाक हमारे यहाँ भारत में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अब भारत का शासन चलाने वाले शासक और प्रशासक आज़ादी प्राप्त होने के बाद, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के बाद भी उन अंग्रेजों का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के प्रयासरत होंगे। नाक लगाने के लिए वो प्रयासरत होंगे तो एक बात बताओ, उन अंग्रेजों के सामने फिर भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा नष्ट होगा या नहीं? क्योंकि जब उस पर नाक लग जाएगी तो अंग्रेज का सम्मान कर दिया और भारत की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, और प्रतिष्ठा नष्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत की नाक कट गई। तो इसलिए कहा कि नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, क्योंकि खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। जैसे कि आप जानते हो राजनीतिक पार्टियां होती है, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कुछ पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं, और तीसरा दल वो होता है जो हमारे यहाँ क्या कहलाता है, निर्दलीय। वो क्या करता है, जो पार्टी मजबूत बनती है उसका सपोर्ट कर देता है। तो दोनों ही पार्टियाँ क्या करती है, उस निर्दलीय की ताकत को अपनी तरफ मानकर चलती है। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानों शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध है छापामार युद्ध। और ये यहाँ पर ये बात कही गई है कि उनकी नाक किसने काटी, उन देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा प्रयास करके उन अंग्रेजों की मूर्तियों की नाक काटी गई जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, भारतीयों पर अत्याचार किए। तो प्रशासन और उन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच उन मूर्तियों की नाक हटाने को लेकर के गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अब उन शासकों और प्रशासकों के लिए नाक नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो उन्होंने सोचा कि रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई देश के खैर ख्वाहों की, खैर ख्वाह भलाई चाहने वाले। एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब देखिए उस जॉर्ज पंचम की नाक को उन्होंने अपनी नाक का विषय बना लिया, मान सम्मान का विषय बना लिया, जबकि उस मूर्ति की नाक नहीं होना कोई बड़ा विषय नहीं था। ये भी कहा जा सकता था कि स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया या क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन उस मानसिकता वाले लोगों के लिए वो नाक ही क्या हो गई, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय बन गई। उच्च स्तर पर उस नाक को लेकर के मशवरे हुए, दिमाग
खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। अब क्योंकि मूर्ति की नाक टूटी है तो मूर्तिकार ही सही कर सकता है, तो मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार यो तो था कलाकार पर जरा पैसे से लाचार था। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो सकता है। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, हुक्काम हुक्म देने वाले शासक प्रशासक वर्ग। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास से थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जाट पंचम की नाक लगानी है। अब मूर्तिकार को हुक्म मिला कि क्या करना है, जाट पंचम की मूर्ति की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट यानी मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, क्योंकि बिना इसकी जानकारी के मूर्तिकार कुछ नहीं कर सकता। फिर वो पत्थर की जानकारी प्राप्त करेगा और पत्थर की जानकारी के बाद क्या करेगा, पत्थर ढूंढ के लाएगा, उसकी नाक बनाकर उस मूर्ति पर लगाएगा। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, इसलिए उसने सारी जानकारी उन शासक प्रशासक वर्ग से मांगी। धन्यवाद।